20 साल पहला बलवंत सिंह मुल्तानी अगवाते हिरासत मौत के केस विच अज एक अहम फैसला हाईकोर्ट वालों आया है जिदे विच अक्यूज बनाए गए मुलजम साबका डीजीपी समीर सिंह सैनी की अगाऊ जमानत ते इस केस की जांच सीबीआई नूं दित्ते जाण की मंग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस पिछे एक बलवंत सिंह मुल्तानी के भरा कंप्लेनेंट परविंदर सिंह मुल्तानी के वकील प्रदीप बिरज जी ने काफ़ी अहम पैरवी की है, आओ उन्होंने पुछद कुछ सारी इस मामले की जानकारी देने। प्रदीप जी इस केस में अब जी जमानत रद्द हुई है वो ये दसो कि उसका इफेक्ट पेगा तो किस बेस पर इन्हों की जिस ग्राउंड पर जमानत रद्द हुई है तो स्टेट के कंप्लेनेंट वालों की अपोज किया गया। देखो तो सवाल का जवाब देने तो पहले मैं कुछ गल्लां इहदे क्लीयर करनियां चाहुंदा कि बेसिकली ये केस दूजे केसों तो अड क्यों है। सुमेर सैनी से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत एलीगेशन लगते रहे हैं, दूजे अफसर से भी लगे है। इस केस का एक बड़ा अहम पहलू है जितों ये सारा मुद्दा शुरू होता है, जो उस मुद्दे को एड्रैस करते हैं तो अग्रिम जमानत सैनी वर्गे को मिलनी नहीं मिलती, जिस करके अग्रिम जमानत अगाऊ जमानत यदि रिजैक्ट हुई है। थोड़ी जी बैकग्राउंड के हम चलते हैं। बलवंत सिंह मुल्तानी के उत्ते कोई भी एलीगेशन नहीं सी करियर दे विच, बेदाग करियर सी। एक सिटको दा जूनियर इंजीनियर सी बलवंत सिंह मुल्तानी नाम दा बंदा। सुमेर सैनी ने अपने यूजुअल तरीके दे विच एसएसपी चंडीगढ़ हुंदिया ब्लास्टरी तफतीश करदिया होया लोग चुकने शुरू करते जिहदे च बलवंत सिंह मुल्तानी नूं चुक लिया। हुण सुमेर सिंह सैनी की आदत है जदों चुके किसी दा तशद्दुद कर दिंदा, एक झूठ जिवें 100 झूठ बुलवांदा, एक क्राइम 100 क्राइम करवांदा, वह अगे वधदा गलत रस्ते ते वह पिछे नहीं हटदा। सो सुमेर सिंह सैनी ने 11 दिसंबर 1991 में मुल्तानी में चुक लिया। उस डेट में मुल्तानी उस डेट में जो चुकया है ना तो मुल्तानी किसी केस के अक्यूज से ना ही बॉम्बलास केस के अक्यूज बना के चुकया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है। टॉर्चर करना शुरू करता मुल्तानी नू, किस हद तक का टॉर्चर, मतलब बड़ा घिनौना और हैवानियत वाला टॉर्चर कि मुल्तानी ने पिछे डंडा दे के उस डंडे ते ठुड्डा मरवाइया, वो ब्लीड करन लग गया, कोलैप्स कर गया, उस तो बाद भी टॉर्चर किया, होश आया और इन्ना टॉर्चर किया कि अख बार आ गई। ये आई विटनेस अकाउंट्स ने, कई आई विटनेसिज ने आप उत्थे वेख्या है और ये चीज़ दसी है, कोर्ट के विच बयान रिकॉर्ड कराए है। सुमेर सैनी ने आप ठुड्डा मारिया और उसकी अख बार आ गई है मुल्तानी की, इन्नी उसकी इंजरी सी। उस तो बाद मुल्तानी की बॉडी डिस्पोज ऑफ करवाई है। और इंट्रस्टिंग गल है 13 दिसंबर में अजय मुल्तानी एक पास टॉर्चर किया जा रहा है, दूजे पास झूठे परचे प्लांट किए हैं उसकी अरेस्ट जस्टिफाई करने लिए, वैपन प्लांट किया। हूँ जो अफसर ने कागज साइन किए अफसर भी वादा माफ गवाह बन के मन गए कि जी असं झूठे परचे पाए। सो इस केस की रेलिवेंस ये बनती है कि एक पहला केस है, दूजा केस है सुमेर सिंह सैनी के उत्ते, पहला केस है जिथे इन्हें लुधियाना का बिजनेसमैन हिंदू फैमिली से जिन्हों का सिखा नाल कोई लेना ना देना, उन्होंने एलीमीनेट किया पर्सनल दुश्मनी करके और सीबीआई उन्होंने प्रोसीक्यूट कर रही है। और सुमेर सैनी कह रहे जी मैं अतवाद न लड़ता सी, मैं तो बंदे मारे। दरअसल ये सीबीआई भी पहला केस दर्ज कर चुकी है 2008 में, सीबीआई का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हूँ ये दोबारा केस खुलिया, किस तरह खुलिया, 302 किवें लगी है? मैं उसे तो जाना जी, उही आंसर से हूँ इस केस के जो मुल्तानी भी आ फैक्ट्स बाहर आए कि मुल्तानी ने भी उस तरह मारिया, लुधियाने की फैमिली जिमें इनोसेंट मारी से उस तरह मुल्तानी भी एक इनोसेंट बंदा सी जिदे इन्हें झूठे परचियां इनवॉल्व किया, जिन्होंने इन्हें टेररिस्ट करार दिता और टॉर्चर करके एलीमीनेट किया, फिर वादा माफ गवाह ये अगे आए। हालांकि प्रोसीक्यूशन ने जिदन परचा दर्ज किया एस आई टी उस दिन 302 लानी चाहिए सी, पर 302 कोर्ट वालों लगी। वो क्यों कोर्ट वालों लगी? क्योंकि वादा माफ गवाह गए आए जिन्होंने कहा कि असी अखी टॉर्चर हों देखा इस तरह मारिया और सुमेर सैनी ने साढ़े को मनिया के मारे, होर आई विटनेसिज अगे आए उन्होंने कहा कि जी मुल्तानी में इस तरह मारिया गया। सो उस तो बाद कोर्ट ने 302 लाने के ऑर्डर किए। हूँ 302 लगन तो बाद सुमेर सिंह सैनी की अग्रिम जमानत रिजेक्ट हुई क्योंकि ये कुछ चीज़ा ने जी जिदे अरैसट करके कस्टडी इंटरोगेट करना बहुत जरूरी है। बॉडी कितने डिस्पोज ऑफ की, किड़े पुलिस वाले इनवॉल्व से, कपड़े कितने डिस्पोज ऑफ किए, जो डंडा टॉर्चर चूज किया कितने डिस्पोज ऑफ किया, जो वैपन मुल्तानी से प्लांट किया है, नजायज हथियार सुमेर सिंह सैनी को कितों आया, ये सारा कुछ हूँ तफतीश के ही आऊगा, नहीं तो यह अगे नहीं आऊगी चीज़ आनगियां चीज़ा। और ये केस का जो पूछा कि किवें क्वैश होया, जेडे अक्यूज़ सुमेर सिंह सैनी ने ट्रायल फेस करवाई थी
लास्ट केस दे विच, वो 2006 दे विच बरी हुए, उदी अपील हाई कोर्ट पाई गई। जब अपील पेंडिंग सी ते कोर्ट ने ऑर्डर किया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स पकौड़े जिहड़े हैगे इस केस दे उन्हां नूं लब्भो। जब लब्भण दे ऑर्डर्स किए गए तो उहदे विच मुल्तानी दे फादर लेट चीफ डीएस मुल्तानी उदों उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी कि जी मेरे बेटे नूं तां मार दिता गया और सैनी ने मारिया। फिर एक केस सीबीआई नूं गया, फिर सिमिलर एप्लीकेशन प्रोफेसर भुल्लर वालों आई कि मेरे फादर ते मास्टर नूं भी मारता जिन्हां दा कोई लिंक नहीं सी टेररिज्म नाल, वो भी सीबीआई नूं दिता गया। फिर 9 महीने तफ्तीश चली, 70 विटनेस एग्जामिन हुए और फाइनली सीबीआई ने सैनी के खिलाफ जुलाई 2008 के विच एफआईआर दर्ज की थी। वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2011 में क्वैश की थी और वो भी एक छोटी जी टेक्निकल ग्राउंड थे कि सुमेध सिंह सैनी को सुनिया नहीं गया और दो जजेस के बेंच की जगह एक जज के बेंच ने ऑर्डर किया। हमने उस बाद नाले लिबर्टी दी कि कंप्लेनेंट फैमिली दोबारा कंप्लेंट देकर प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू कर सकती है। हूँ मेन गल इतने आई, वो कंप्लेन वो फैसले तो 2 महीने बाद सुमेध सैनी डीजी पंजाब लग गए जी। तो जो डीजी पंजाब भी लग गया से उन्हें की करना से उन्हें वही चीज़ा करनिया से उन्हें डराया सारे पिछे हट गए रिटायरमेंट तो बाद हूँ ये अगे आए और इन्होंने कंप्लेंट देकर प्रोसेस शुरू। इन्ना कुछ होने के बावजूद जी सुमेध सिंह सैनी है वो किस आधार पर जी एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे थे? देखो सुमेध सैनी दी गल्लां तो हमेशा बिना किसी आधार तो होंदियां ने, तुसीं भी जानते हो तुहाडे दर्शक भी जानते हैं। दूजी गल सुमेध सैनी का यह कहना है कि वो वेंडेट है जी। हुण कोई उन्हें पूछे कि डर के तो तू भजे, 3.5 साल तो सरकार बड़ी हुई है कदे ना भजिया। जे इन्ना ही वेंडेटा होंदा तो सरकार सीएम साहब चाहते तो तेन घरों चुक लेंदे, तेरी सिक्योरिटी विदड्रॉ कर लेंदे, की कर लेंदा हुण भी तो चूहे वांगू लुकदा फिरदा। दूजी गल जिहड़ी उहने पी लई है कि क्वैश्ड एफआईआर दोबारा शुरू नहीं हो सकती, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा सी कि ये चीज़ शुरू की जाए, कंप्लेनेंट एप्लीकेशन दे के शुरू कर सकते। सो जो सुप्रीम कोर्ट ने आ गल कहती फिर ये कोई दोहराई नहीं है, ये कोई दो ओपीनियन नहीं है। साढ़े वालों आ चीज़ा पॉइंट आउट की गई कि 302 लग गई और जो सुमेध सैनी कह रहा है कि अतवाद नाल उहदा लड़न का एक्सपीरियंस है, अतवाद नाल लड़न का नहीं है, इनोसेंट लोगों को टैररिस्ट करार देता है, झूठे कागज़ तैयार करन दा है, कतल दा है, इनोसेंट बंदे की वर्दी की दुरवरतों करके किए हुए कतल। इस केस में हम अगे की देखते हैं, पहला सुमेध सैनी जिहड़ा है वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो सरकार की कर सकती है, कंप्लेनेंट की करेगा ये की सुप्रीम कोर्ट पहला मूव करेगा कि नहीं करेगा कंप्लेनेंट? नहीं असं सुप्रीम कोर्ट नहीं मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो सैनी को ही जानते होंगे जी। उदो तक सरकार ने इन फट के नहीं अरैसट किया, क्यों नहीं अरैसट कर पा रहे उदा सरकार दस सकती है मैंने नहीं आईडिया। लेकिन दूजे पास बड़ी सिंपल जी गल आती है जो पूछे कि अगर की लाइन ऑफ एक्शन है, तो देखो मैं हमेशा कहना थोड़े दर्शकों की अरदासा नाल ने एंड तक गुरु साहब दस गए देख शिवा वर मोहे है शुभ करमन ते कबू न डरो न डरो हर सौ जब जाए डरो निश्चय कर। साड़ी जित तो निश्चित गुरु साहब करके तुहाडे दर्शकों दीआं अरदासां जित दा कारण बणनगीआं, साड़ी ताकत बन के चलीआं। और देखो जिस दिन केस शुरू होया है मैनूं सारे कह रहे सी कि सैनी दा कुछ नहीं होना, अज उह भज्जिआ है ना। याद रखो अरदासां कंटिन्यू करो, अंजाम तक भी केस जाऊगा और सैनी नूं उहदे पापां दी सज़ा भी मिलेगी। और इस केस च नहीं, ये होर भी केस अगे आ रहे हैं, उन्हां केसां च वी इहनूं इहदे पापां दी सज़ा दवावांगे। सुमेध सैनी दी इक एग्जाम्पल बनानी है जो बहुत जरूरी है वर्दी वालियां दे विच पब्लिक का विश्वास रिस्टोर करने लिए और वर्दी वालियां नूं उन्हां दे फर्ज याद करवाने लिए, उन्हां नूं इह दसण लिए कि तुसीं वर्दी पब्लिक की सेवा लिए पाई है, पब्लिक की जान लैण लिए नहीं, इनोसेंट लोगों नूं मारन लिए नहीं। सो इस चीज़ करके सुमेध सिंह सैनी वर्गे दे विच कानून का डर इनफ्यूज करना और इहदे जिहड़े इहनूं हीरो मान के फॉलो करने वाले जिहड़े इहदे अफसर ने उन्हां दे विच भी कानून का डर पैदा करना बहुत जरूरी है, जिहड़ा इस केस नूं इक एग्जाम्पल बना के। दीवारां दित्ती हुई है, सैनी का घर है नहीं, सैनी का भज्या होया सिक्योरिटी तो ही भज्या होया, हुण मैं की कहां? मीडिया ने भी कहा कि मैडम अपनी जगह दसो, आई विल इंश्योर कि जे सरकार वालों भी कोई लैप्स हो रहा है तो सिक्योरिटी दे
एसआईटी वाले आप सिक्योरिटी लेके जाने मैं कोर्ट से अर्जी लाऊंगा कि जी मेरी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है फलानी था बैठी उन्होंने सिक्योरिटी दो नहीं दसी उन्होंने लोकेशन हफ्ते तो पंजाब पुलिस आठ दिन हो गए कहते सू पता नहीं कि मैं की कर सकता थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तीसरा गल करना जिन्होंने बलवंत सिंह मुल्तानी मर्डर केस में उन्होंने भरा की कंप्लेनेट वालों पैरवी की अज अगे बारे भी उन्होंने काफ़ी कुछ दसिया फिलहाल सुमेध सैनी दसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो जे जो तक वो सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन पाते हैं जमानत लिए उस तो पहला पुलिस उन्होंने किसी भी वे गिरफ़्तार कर सकती है सुरजीत सिंह सत्ती अजीत खबर चंडीगढ़ देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।